गाइस, यूके होम ऑफिस की तरफ से लेटेस्ट जो अपडेट वो आई है, यूके का जो डिफाइंड कॉज लेटर है उसके हवाले से बहुत से लोग थे जो सवाल कर रहे थे। तो ये उनका सवाल था कि हमें जो है कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी चाहिए। जो न्यूज़ आई है कि आपने जो अपडेट्स थी उसमें आपने कुछ पॉइंट्स थे जो ऐड करने थे, और उसके बाद कॉज लेटर में जो है वो कितना टाइम लगेगा इशू होने में। तो होम ऑफिस की तरफ से जो नए डिटेल्स अपडेट आई हैं जो उन्होंने जारी कर दिए हैं, तो यूके होम ऑफिस ने ये सारी डिटेल्स बताई है कि आपको जो आप कॉज लेटर अप्लाई करेंगे उसमें आपका कितना टाइम लगेगा, और इसके अलावा बाकी की भी इंफॉर्मेशन जो है आ गई है यूके होम ऑफिस की तरफ से, और आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन इसकी यूके ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू और अपडेट, लेटेस्ट अपडेट जो है वो। उम्मीद करूँगा कि जितने भी बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आपने वीडियो देखनी है एंड तक, इसमें बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं आपके लिए। आपने वीडियो मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद जाके आपको पता चलेगा जो न्यू अपडेट आई है आपके लिए लेके आया हूँ कॉज के हवाले से। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और आपने इसको चैनल को सपोर्ट ज़रूर करनी है, वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और वीडियो के बाद आपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, चैनल को भी आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ये आपका अपना फैमिली चैनल है। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकास हुसैन और आप देख रहे हैं यूके वीज़ा न्यूज़ एंड इमिग्रेशन। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, जो कि यूके होम ऑफिस ने गाइडेंस कर दिया है, बता दिया है कॉज लेटर के वाले से। बहुत ज़्यादा अपडेट निकल आई है और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो न्यू अपडेट आई है कॉज लेटर के हवाले से। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा डिटेल के साथ कि कौन कौन सी आपने इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं डिफाइंड कॉज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा आज इस वीडियो में, जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है अपने कॉज लेटर में। तो सबसे पहले जो ज़रूरी पॉइंट्स है, यूके होम ऑफिस ने भी ये बताया है इसमें कॉज लेटर अप्लाई करने में, जो आपको लेटर जो है वो साथ बताना पड़ेगा, वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होते हैं जो कि आपने ज़रूर वो साथ लगाने हैं। आपके जो एम्प्लॉयर होगा उससे आपने बात करनी है, उससे आपसे आपने पूछना है कि हमें जो वर्क दिया जाएगा उसमें कितने आवर्स काम करना पड़ेगा। ये आपने हर हाल में कॉज लेटर अप्लाई करने से पहले उससे बात करनी है, ताकि वो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करे जब आपका कॉज लेटर वो अप्लाई करेगा। तो मतलब ये है कि यूके होम ऑफिस ने क्लियरली ये बताया है कि अब जो भी बंदा कॉज लेटर अप्लाई करेगा उसमें वर्किंग आवर्स जो है वो ज़रूर ऐड करने होते हैं। तो ये आपने खुद ऐड करवाने हैं, जिसके थ्रू भी आप अपना कॉज लेटर अप्लाई करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर जिसको कहते हैं, उसमें आपने ये चीज़ आप मोस्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो वर्किंग आवर्स हैं। ये मैं काफ़ी वीडियोस में भी बता रहा हूँ, लास्ट जनवरी की वीडियोस में मैंने स्टार्ट किया था आपको बताना। तो यूके होम ऑफिस की तरफ से भी यही अपडेट आई है, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो लेटेस्ट अपडेट आई है, उन्होंने भी ये बता दिया है। तो यूके होम ऑफिस को चाहिए होता है प्रूफ जो कि आपका कॉज लेटर इशू करते हैं। तो एक तो आपका हो गया जो वर्किंग आवर्स आपको बताए गए हैं, उसके बाद आपने सैलरी जो है वो भी ज़रूर मेंशन करनी है, और इसके अलावा जो आपका कॉज लेटर होगा उस पे अगर आप यानी कि फैमिली के थ्रू आ रहे हैं, फैमिली को लेके आना चाह रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ जो है वो आप दो कॉज लेटर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एक ही कोर्स के ऊपर। मतलब कि एक कंपनी का जो कॉज लेटर होगा उसके अलावा साथ अगर आप वाइफ है या हस्बैंड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों कॉज लेटर एक टाइम पे भी अप्लाई हो सकते हैं। तो ये जो कॉज आपने अप्लाई करना है थ्रू, आपको एसएमएस के जो अप्लाई के जवाब दिया जाएगा,
तो इसकी जो फीस होगी फर्स्ट स्किल वर्कर के, मैं बता रहा हूँ, इसकी जो फीस है वो होगी 239 पाउंड, 239 240 पाउंड जो है ये फीस होगी ईच पर्सन की। तो अभी जो मैं आपके 7 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ ये ही आपके लिए ज़रूरी है। इसमें भी काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि अगर आपका जो फाइल है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एप्लीकेशन जो है आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको विद इन 1 वर्किंग डेज के अंदर कॉज लेटर इशू कर दिया जाएगा। यानी कि अगर उनको फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कोई और डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं चाहिए, डिटेल नहीं चाहिए, तो 1 वर्किंग डेज के अंदर आपको कॉज लेटर जो है वो मिल जाएगा। तो आपकी जब एप्लीकेशन जो है ये अप्रूव्ड होती है तो ये आपको लोकेटेड SMS के थ्रू हो जाएगी, आपको कंफर्म कर दिया जाता है। तो इसके अलावा ये भी अपडेट है साथ के, 3 मंथ आपके पास टाइम होगा। आपका जब कॉज लेटर इशू होता है, साइन होता है, तो 3 मंथ के अंदर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा जब आपका अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद अगर कॉज लेटर एक्सपायर होता है तो नो वरीज, वीज़ा अप्लाई करने के टाइम कॉज लेटर की डेट जो है वो वैलिड होनी चाहिए। ये 3 मंथ इसकी वैलिड डेट है। तो अगर आप 3 मंथ के अंदर वीज़ा अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका कॉज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। नया तरीका जो है रीअप्लाई जो होता है, नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको ये चाहिए कि जब आप कॉज लेटर अप्लाई करते हैं तो आप 3 मंथ के अंदर अंदर वीज़ा अप्लाई करें। और इसके बाद यूके होम ऑफिस ने जो अपडेट दी है ये भी साथ दी है कि अगर उनको लगता है कि ये केस जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट है या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है ठीक लगा हुआ, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, रिजेक्ट होने के चांसेस इस तरह होते हैं कि जैसे कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस लेटर शो किया है और आपकी जॉब जो है वो कहीं और होगी या कोई और होगी, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी जो जॉब है उसके मुताबिक जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है अगर वो भी ठीक नहीं है उसके मुताबिक, तो भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी जो जॉब होगी उसके मुताबिक जो सैलरी है वो आपने मेंशन करवानी होती है, और जो जॉब है उसका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। आपने ये नहीं करना कि एक्सपीरियंस लेटर अपना कोई और लगा रहे हैं और आपकी जो जॉब होगी वो कोई और होगी, इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो जो ऑक्यूपेशन कोड होता है एक, जब आप जॉब अप्लाई करते हैं कॉज लेटर में, तो ऑक्यूपेशन कोड एक और होता है वो जो आपकी जॉब के साथ मैच करता हो। ये नहीं कि आपका जॉब कोई और होगी, ऑक्यूपेशन कोड जो है वो कोई और होगा, तो इसमें भी आपका कॉज लेटर रिजेक्ट हो सकता है। तो कॉज लेटर जो है ना ये साइन करना पड़ता है जो आपका एम्प्लॉयर होता है, थ्रू SMS जो होता है, ये आपका एम्प्लॉयर जो है उसके ऊपर भी होता है। तो आपने जो भी अपने डिटेल्स देनी है वो एम्प्लॉयर को वो कंपनी के हवाले से होनी चाहिए, सैलरी के हवाले से आपने मेंशन करवाना है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपने जेन्युइन लगानी है, इसमें मिस्टेक आपने नहीं करनी। और अगर आपने कोई मिस्टेक की है और यूके होम ऑफिस वालों को अगर पता चलता है कि ये फाइल जो है ये इसमें मिस्टेक है या इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है, तो वो स्ट्रेट वे आपका कॉज लेटर जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं और करते हैं। किए भी हैं, ऐसा बहुत से केसेस हुए हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। बताने का मकसद ये है आपको कि इसमें आपने जो है टेंशन या वरी होने वाली बात नहीं है, लेकिन पॉइंट ज़रूरी ये है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जेन्युइन होने चाहिए, वो फेक नहीं होने चाहिए। और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपने करने हैं। सैलरी और वर्क आवर्स जो है ये आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। इसको सबसे पहले चेक किया जाता है, यूके होम ऑफिस इसको सबसे पहले जो है चेक करते हैं। तो ये बात क्लियरली यूके होम ऑफिस ने बताई है कि जिनकी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उनका 1 दिन के अंदर कॉज लेटर उनको निकल आएगा, रिसीव होगा।
तो अब देखते हैं कि वन वर्किंग डेज के अंदर कॉल्स लेटर जो है वो इश्यू होते हैं या नहीं होते, मतलब कि उन्होंने साथ बताया भी हुआ है, और जिनकी फाइल जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिनकी फाइल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है उनका जो है टाइम लगेगा, हो सकता है 1 वीक भी लग जाए, 2 वीक भी लग जाए या 3 वीक भी लग जाए, यानी कि 3 वीक के अंदर अंदर आपको कॉज लेटर जो है वो इश्यू हो जाता है। ये आपने पॉइंट याद रखने हैं, आपका जो कॉज लेटर का टाइम है वो 1 वर्क डे है, 24 आवर्स जो होते हैं वर्किंग आवर्स, उसके अंदर आपको कॉज लेटर जो है वो इश्यू हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फाइल होती है जब आप सबमिट करते हैं उसमें जेन्युइन चीज़ें लगी हों तो वो 1 वर्किंग मतलब डे के अंदर मिल जाता है अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, यूके हम ऑफिस वालों को पता लगता है चलता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इसकी फाइल, तो उसको टाइम लगता है। तो ये थी जनाब आज की अपडेट। उम्मीद करूँगा कि जितने भी बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपका अपना चैनल है, इसके ऊपर यूके वीज़ा के वाले से वीडियोस अपडेट हो रही हैं और आने वाले दिनों में भी मज़ीद होंगी। इसके अलावा वीडियो लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, फीडबैक जो है वो भी ज़रूर दिया करें। काफ़ी दोस्त हैं जिनके वीज़ा अप्रूव्ड हुए हैं और मैसेज करते हैं जनाब जब उनका वीज़ा अप्रूव नहीं होता, तो जब अप्रूव्ड होता है तो बिना बताए जो है वो ऐसे ही इग्नोर करते हैं, तो ऐसा ना किया करें। वीडियो आप अगर आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है वीडियो देखते हैं तो वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताया करें जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड होता है। तो ये है आज की जो अपडेट आपके साथ शेयर की है, तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो।